तमाम विरोधों और हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावत रिलीज हो ही गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ राज्यों में फिल्म रिलीज नहीं हुई, बावजूद इसके बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को शानदार ओपनिंग मिली। इस ओपनिंग के साथ ही पद्मावत ने बाहुबली 2, दंगल जैसी फिल्मों को पछाड़ते हुए कई रिकॉर्ड धराशायी कर दिए। पद्मावत का पहला शिकार सुपरस्टार प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली 2 रही। ओवरसीज की कमाई के मामले में भंसाली की इस फिल्म ने SS राजामौली की वॉर एपिक मूवी बाहुबली को बुरी तरह से धूल चटाई, जहां पद्मावत ने $367,000 यानी कि $2,33,00,000 रुपए की ओपनिंग पाई, तो बाहुबली $1,35,00,000 की कमाई कर पाई थी। इसके पहले ये रिकॉर्ड आमिर खान की फिल्म दंगल के नाम था, जिसका ओपनिंग कलेक्शन $1,57,00,000 रुपए था। बता दें कि इस बात की जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। बाहुबली जैसी फिल्म को पीछे छोड़ना पद्मावत के लिए बेहद बड़ी खबर है। खैर, अब देखना दिलचस्प रहेगा कि फिल्म आने वाले दिनों में कितने रिकॉर्ड तोड़ती है।